एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है एन एंगल इज ग्रेटर देन 45। एक एंगल है जो 45 से बड़ा है, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45? क्या इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो 45 से ग्रेटर होगा, या 45 के इक्वल होगा, या 45 से कम होगा? अब आपको पता है जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का 40 एंगल है हमारा, तो 45 से बड़ा एंगल है, हम 46 ले लेते हैं। तो 46 प्लस 90 में से 46 लेस करते हैं हम, तो ये आ गया हमारा 44। ये हमारा लेस है, 45 से लेस है। कोई और कॉम्प्लीमेंट एंगल ले लेते हैं हम, 60 डिग्री ले लेते हैं, 45 से बड़ा है, इक्वल्स टू 90 से लेस करेंगे तो 30, ये भी लेस आ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दूसरा हम ले लेते हैं 75 प्लस, तो ये भी आ गया हमारा 90। लेकिन ये देखिए कि तीनों ही हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेस आ रहे हैं, तो हमारा आंसर आ गया लेस देन। तो यहाँ पर जितनी भी कंडीशंस हैं, हमने 45 से बड़ा जब एंगल लिया है तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो सारी कंडीशन में ये आ रहा है लेस देन 45। तो हमारा आंसर आ जाएगा लेस देन 45 डिग्री। यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।